हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले पढ़ाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल कर जाता है। लेकिन अगर हम वेपर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में ले तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा है 10 atm, सपोज कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10, और जो लिक्विड या सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना है 6 atm। तो जिस टेम्परेचर पे ये 6 atm बिकम्स इक्वल टू 10 atm, यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। क्या कहा? जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। क्लियर? अब ये हो जाता है। अब सपोज मैंने कोई सॉल्वेंट लिया जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट T1 था। सेकेंडली मैंने क्या करा, अब इस सॉल्वेंट में कुछ ऐसे सॉल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती। तो अब जब कभी भी वी डिजोल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। ये अभी बाद में समझाया जाएगा आपको, अभी ये पढ़ लीजिए कि वेपर प्रेशर लो कर जाता है। सपोज सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, वेपर प्रेशर इज लोअर टू कितना 4। तो अब मेरे को अगर ये सॉल्यूशन को बॉइल कराना है तो अब मेरे को इतने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा सो दैट 4 बिकम्स इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉइल करता है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो पहले 6 था, तो सपोज T1 तक हीट करा, अब कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो अब टेम्परेचर कितना हो गया सपोज T2 तक हीट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमको T2 जो है इट इज ग्रेटर देन T1, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई T2 इज ग्रेटर देन T1, मींस कि बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। तो इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, बी फॉर बॉइलिंग। मींस ये हुआ कि व्हेनेवर वी डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि सपोज इस एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर और वाई एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर। ये हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट का ग्राफ ये आया है, यहां से चला और ये दिस। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, तो सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पॉइंट को हम नीचे पेन को ड्रॉप करा, तो दिस T1 गिव्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेकेंडली अब हमने इस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि जब कभी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे नॉन वोलेटाइल तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम होगा। सपोज सॉल्वेंट का यहाँ आया था, सॉल्यूशन का थोड़ा और कम हो जाएगा, हमने यहाँ शुरू करा ये कर लिया है। तो अब की बार इस पॉइंट पे इक्वल हुआ, हमने यहाँ पे पेन को ड्रॉप करा, T2 ये आ गया। देख लीजिए ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1, सो हमने कर दिया। तो दिस विल गिव डेल्टा TB। तो ग्राफिकली भी आप इसको समझ सकते हो। तो नेक्स्ट आता है इसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा और इसकी डेफिनेशन में काम आएगा। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू 1000 KB W2 ओवर M2 W1। 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड 2 स्टैंड फॉर सॉल्यूट, ये ठीक रहेगी। ठीक है, वेट होता है W और M होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो सपोज W2 अपॉन M2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेट इट बी 1 gram मोल। ठीक है, यहां रख दिया। एंड W1 इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये हमने मान लिया 1000 gram। ठीक है, तो W2 अपॉन M2 1 रिमूव किया, W1 1000, इस 1000 से ये 1000 कट जाएगा। तो केवल क्या बचता है, डेल्टा TB यहां रहेगा और यहां क्या रहेगा KB। सो KB इक्वल्स टू डेल्टा TB। मीनिंग क्या हुआ कि जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये एलिवेशन में, ये उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा जो कब डेवलप हुआ है, व्हेन 1 gram मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 gram ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। मींस क्या हुआ कि द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज डेवलप्ड व्हेन 1 gram मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन
1000 ग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट. तो दिस Kb इक्वल्स टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLIO, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. क्लियर? आप वीडियो पॉज करके इतना क्लियर कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिएगा. ठीक है, अब इस नंबर थोड़ा सा और बता दो. अभी ये फॉर्मूला था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 के बी डब्ल्यू टू ओवर एम टू डब्ल्यू वन. तो ये था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. अगर मैं यहां कर दूं 100 तो ये सिंपली के रहेगा. ठीक है, तो अब मैं डब्ल्यू लूंगा डब्ल्यू वन 100 क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है. तो अब मैं अगर मेरे को डिफाइन करना हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो सिंपली वहां पे हमने जो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम लिया था, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम ले लेंगे 100 ग्राम. तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो मोलर या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है के लिख देते हैं, इसमें हम इसका सबस्क्रिप्ट में बी नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो बस आपको इसकी डेफिनेशन में करना क्या होगा, वो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम की जगह आपको लेना होगा 100 ग्राम. क्लियर, इतना हो जाएगा. इसमें न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला आप और यूज करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम, वेयर एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज अभी ये एक्सप्लेन करना है, दोनों के न्यूमेरिकल्स एकदम सेम. क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या था, चलिए अभी देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, प्रैक्टिकली सिंपली ये देखा जाता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट फ्रीज कर जाए, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन वेपर प्रेशर के कारण हम क्या कहेंगे कि ये वो टेम्परेचर है जब किसी भी सॉल्वेंट की लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए. क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स बिकम्स इक्वल. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. या क्या कहेंगे इसको, सिंपली कहेंगे कि लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसको बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. क्लियर? यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज द सेम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब सपोज पहले ये इस पॉइंट पे सेम हुआ, या अभी देखते कि क्यों डिप्रेस कर गया, कि पहले ये कहां हुआ, ये वाला जो एटमोस्फेयर जो भी प्रेशर था ये था 10 atm, इस पे आके सेम हुआ सॉल्वेंट का. अब जब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डिजोल्व करा तो सॉल्यूट डिजोल्व करने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इसके लिए कहां जाएगा, ये यहां आ गया. तो अब ये माना 10 की जगह कितना आ गया, 6. तो जो पहले 10 पे इक्वल हो रहा था वो किसको हो जाएगा, 6 पे इक्वल हो जाएगा. यानी कि सॉल्वेंट तो ये रहा, ये सॉल्वेंट की फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म है इसका ना, ये जो कर्व है ये वाला स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, इट इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ दिस सॉल्वेंट. क्लियर? तो इस पॉइंट पे ये देखिए, ये इस सॉल्वेंट का और सॉलिड फॉर्म का दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया, इसको नीचे ड्रॉप करा, ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब बताया था कि सॉल्यूट डिजोल्व करने पे सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कुछ कम होता है, तो ये हमारा थोड़ा सा यहां आया माना, तो इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे बराबर हुआ, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ये बन गया सॉल्यूशन. तो T2 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ऑब्वियसली T2 इज लेस देन T1 बिकॉज पीछे आया कर, तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यानी कि व्हेनेवर वी डिजोल्व अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट to the volatile solvent, then the vapor pressure is lowered, so that freezing point is also lowered. It is called depression in freezing point. ठीक,
अब जैसे वहां फॉर्मूला था ग्राफिकली भी हो गया, वहां था क्या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहां हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन बिल्कुल वैसे जाएगी कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ डब्ल्यू टू ओवर एम टू डब्ल्यू वन, लेट डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इक्वल टू 1 ग्राम होल एंड डब्ल्यू वन इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, वी गेट क्या, तो डेल्टा टी एफ डब्ल्यू टू अपॉन एम टू 1 हो गया, रिमूव डब्ल्यू वन की जगह 1000 रखा, 1000 टूट गया, तो वी गेट के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ, यानी कि दिस मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डेवलप्ड व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब जैसे वहां पर था मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ऐसे ही यहां पर आएगा मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, सेम चीज है क्या, आप वहां 1000 की जगह क्या रख देंगे 100। क्लियर, तो आ जाएगा हमारा मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, क्या बताया, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर और मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, सिंपली के। बस यहां क्या करना है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो लेना है, ये लेना है 100 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। क्लियर, सिमिलरली ये फॉर्मूला जो मोलैलिटी वाला था, यहां भी डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा क्या, के एफ इंटू एम, यानी कि मोलल एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू मोलैलिटी। क्लियर, कितना हो गया, इसके न्यूमेरिकल सेकेंड वीडियो में डाल देंगे बिकॉज वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। थैंक यू।